क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं और शानदार समारोह के बाद अपने अपने घर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की दूसरी टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है और आज शाम पहला मुकाबला खेला जाएगा। हरारे के मैदान में आज शाम पहला T20 मुकाबला होगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई हो गई है, क्योंकि एक जगह के लिए तीन तीन दावेदार दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में हेड कोच VVS लक्ष्मण और कप्तान शुभमन गिल ने परफेक्ट टीम और कॉम्बिनेशन बनाया है। अब क्या है टीम और क्या है कॉम्बिनेशन, क्या होने वाली है परफेक्ट तूफानी IPL की धमाकेदार टीम, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी टीम जरूर से जरूर बताएं जो कि पहले मैच में खेलनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो आज शाम ठीक 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक मुकाबला शुरू होगा, जबकि 4 बजे टॉस होगा और इस बार एक नहीं दो नहीं कई सारे डेब्यूज पहले मुकाबले में होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी की, तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे दावेदार हैं जो कि ओपनिंग करना चाहते हैं। कप्तान शुभमन गिल हों, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ तक कि संजू सैमसन भी जो कि जिम्बाब्वे में टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। इतने सारे दावेदारों के बीच कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि वो खुद तो ओपनिंग करेंगे, ये उनके साथ में अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। लिया जा हैदराबाद SRH के लिए खेलने वाले अभिषेक शर्मा यहाँ पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे और ओपनिंग भी करेंगे। तो सीधा सा मतलब है कि नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने का मौका मिलेगा। ऋतुराज इससे पहले T20 मुकाबले भारत के लिए खेल चुके हैं। नंबर 4 पर एक और डेब्यू होगा, रियान पराग यहाँ पर खेलने आएंगे और रियान पराग बेहतरीन फॉर्म में है IPL के। इसके बाद 5 नंबर पर एक और बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा और वो होंगे रिंकू सिंह। जी हाँ, वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल थे और यहाँ पर आ चुके हैं। नंबर 5 पर आएंगे और नंबर 6 पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज। यहाँ पर भी ध्रुव जुरेल को पहले टीम में जगह मिली थी, लिहाजा ध्रुव जुरेल को ही यहाँ पर डेब्यू करने का मौका मिलेगा, वो भी एक डेब्यूटेंट होंगे T20 मुकाबलों में। इसके बाद 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर आएंगे जो कि अब पूरी तरह से इंजुरी फ्री हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है जडेजा के संन्यास लेने के बाद एक ऑफ स्पिन गेंदबाज टीम इंडिया को जरूरत है मेन स्ट्रीम टीम में, लिहाजा सुंदर पर यहाँ पर नजरें होंगी। इसके बाद दूसरे स्पिनर होंगे रवि विश्नोई जो कि लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो आवेश खान टीम को लीड करेंगे, आवेश खान इस पेस अटैक को लीड करेंगे, उनका साथ देंगे बाएं हाथ के खलील अहमद जो कि T20 में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहां पर तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर एक और बड़ा तूफानी फैसला होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर मौजूद थे मुकेश कुमार जो कि T20 भारत के लिए खेल चुके हैं लेकिन उन्हें यहां पर टीम में जगह नहीं मिलेगी। और तुषार देशपांडे ये भी एक डेब्यूटेंट है, इनको यहां पर मौका मिलने जा रहा है। तुषार देशपांडे ने नेट्स पर शानदार गेंदबाजी की है और शुभमन गिल के साथ साथ VVS लक्ष्मण उनकी गेंदबाजी से खासा प्रभावित है, लिहाजा तुषार देशपांडे को यहां पर मौका मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही प्लेइंग 11 आज शाम के मुकाबले में जिम्बाब्वे के साथ खेलने जा रही है और इस मुकाबले में भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर कर सकती है, क्योंकि हरारे की पिच बिल्कुल एक बल्लेबाजों के लिए मुफीद होने वाली है, रनों के लिए बिल्कुल प्रीमियम बल्लेबाजी यहां पर होने वाली है। लिहाजा 200 के ऊपर आंकड़ा अगर चला जाए तो हैरानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस टीम पर आपका क्या कहना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर से जरूर दें और भारतीय टीम कितने बड़े अंतर से मुकाबले आकर जीत सकती है कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई तो कप्तान रोहित शर्मा थे, उप कप्तान हार्दिक पांड्या और ये तय माना जा रहा था कि रोहित के बाद हार्दिक ही अगले T20 कप्तान होंगे, लेकिन अब हालात और कंडीशन बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों का खेल, वर्ल्ड कप में प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि हार्दिक अब अकेले रेस में नहीं है बल्कि और भी दिग्गज कप्तानी की रेस में आ गए। पहला नाम है हार्दिक पांड्या, जी हां वो उप कप्तान है, लिहाजा नेचुरली उनको ही कप्तानी मिलनी चाहिए और ऊपर से BCCI सचिव जय शाह का भी हार्दिक को समर्थन है और हार्दिक पांड्या पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, सफल कप्तानी उनकी रही है और IPL में गुजरात टाइटंस के लिए उनकी कप्तानी शानदार रही है। हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो बात जा रही है वो ये है कि हार्दिक खिलाड़ियों को संभाल कर नहीं रखते, खिलाड़ियों के साथ हेडमास्टर की तरह बर्ताव करते हैं जो कि उनके खिलाफ जा सकता है। कप्तानी की रेस में दूसरे नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हां, रोहित विराट जड्डू के संन्यास के बाद बुमराह ही अब टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और यहां तक कि हार्दिक से भी सीनियर, और उनके प्रदर्शन को देखते हुए, वर्ल्ड कप में उनके योगदान को देखते हुए बुमराह को कप्तानी का तोहफा दिया जा सकता है। बुमराह ने भी पहले कप्तानी की है, उनकी कप्तानी का परसेंटेज भी 100% रहा है, लिहाजा बुमराह रेस में तो है लेकिन उनके पास कप्तानी का अनुभव हार्दिक के बराबर नहीं है, लेकिन बुमराह के अच्छे खेल के चलते उनको इनाम कप्तानी के रूप में दिया जा सकता है। टीम इंडिया की T20 कप्तानी के रेस में तीसरे नाम है सूर्य कुमार यादव।
T20 वर्ल्ड कप से पहले यानी कि रोहित शर्मा से पहले सूर्या ही भारत की T20 टीम की कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। और सबसे बड़ी बात, सूर्या काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और दिमाग से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कप्तानी करने के साथ साथ खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना भी जानते हैं, लिहाजा वो भी कप्तानी के रेस में बने हुए हैं। हालांकि उनके खिलाफ एक बात जा सकती है, वो है उनकी उम्र। 33 साल के सूर्या कप्तानी के लिए थोड़ा सा अनफिट हो सकते हैं। कप्तानी की रेस में चौथे नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, जब हार्दिक पांड्या को पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी दी गई तो उससे पहले ऋषभ पंत ही टीम इंडिया के T20 कप्तान थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, लिहाजा अब ऋषभ पंत जिस जज्बे के साथ वापस आए हैं और वो शानदार है। इसके अलावा धोनी की तरह ऋषभ पंत भी विकेट के पीछे से गेम चलाते हैं, अच्छा गेम चलाते हैं और काफी चालाक कप्तान माने जाते हैं। IPL में उनको कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है, लिहाजा ऋषभ पंत भी कप्तानी की रेस में आ गए हैं। और अगर विकेटकीपर बल्लेबाज को कप्तानी देने की बात आती है तो पंत इस पर बाजी मार जाएंगे। हालांकि पंत का थोड़ा सा लापरवाह रवैया, थोड़ा सा ज्यादा मस्खरा होना उनकी कप्तानी के खिलाफ जा सकता है। टीम इंडिया की T20 कप्तानी की रेस में पांचवा एक और बड़ा नाम है शुभमन गिल। जी हां, जिम्बाब्वे दौरे पर गिल को कप्तानी सौंपी गई है। वहां सारे के सारे युवा खिलाड़ी हैं और अगर जिम्बाब्वे दौरे पर गिल ने शानदार कप्तानी की, उनका बल्ला भी शानदार तरीके से चला, तो बहुत संभव है कि आगे चलकर शुभमन गिल को ही T20 का फुल टाइम कप्तान बना दिया जाए ताकि भविष्य के लिए लंबे समय के लिए लीडरशिप तैयार हो सके। और इतना नहीं है, गिल अब IPL में भी गुजरात की कप्तानी करते हैं, उनके पीछे BCCI का भी सपोर्ट माना जाता है और इसीलिए उन्हें जिम्बाब्वे में कप्तानी दी गई है। लिहाजा जिम्बाब्वे में अगर उनकी कप्तानी सफल रहती है, उनका बल्ला चलता है, तो पूरी तरह से हैरानी नहीं होगी कि उनको फुल टाइम कप्तान शुभमन गिल को बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये 5 खिलाड़ी कप्तानी की रेस में शामिल है, जिनमें से आपको बताना है कि आपकी नजर में कौन होना चाहिए भारत का अगला कप्तान। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फाइनल जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अब T20 क्रिकेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और दोनों ने मैच के बाद इसका ऐलान किया। लेकिन इससे ठीक पहले बहुत कुछ हुआ और वो तब हुआ जब भारतीय टीम ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी। अब यहाँ पर रोहित शर्मा अपनी बेटी समायरा को कंधे पर बैठा कर चल रहे थे और बाकी की टीम भी साथ में चल रही थी। अब यहीं पर विराट कोहली रोहित शर्मा के पास आए, वो भी ट्रॉफी लेकर, और वजह बिल्कुल खास थी। विराट कोहली कंधे पर तिरंगा लेकर हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आए और रोहित शर्मा से कहा कि साथ में फोटो खिंचवानी है। जी हाँ, विराट कोहली इस मोमेंट को रोहित के साथ कैप्चर करना चाहते थे। अब रोहित और विराट ने फोटो खिंचवाई मगर कुछ कमी रह गई थी। विराट कोहली तो जाने लगे लेकिन तुरंत ही रोहित ने रोक दिया और कहा कि रुको। अब वहीं पर रोहित ने अपनी बेटी को कंधे से उतारा, सपोर्ट स्टाफ को सौंपा और उसके बाद दिखा दोनों का दोस्ताना। विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों ने तिरंगे को खुद से लपेटा, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और हाथ में ट्रॉफी ले ली और फिर फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर मिलियन डॉलर तस्वीर कही जा रही है और जबरदस्त वायरल हो रही है क्योंकि दोनों के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप तो था, ये पहले से ही कहा जा रहा था, लेकिन आखिरी मैच भी साबित हुआ क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि वर्ल्ड कप जीते संन्यास ले लेंगे और हुआ भी वही। इसी मोमेंट के बाद दोनों ने ये तस्वीर खिंचवाई, दोनों ने साथ में दोस्ताना दिखाया और इसी के बाद दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब जो भी हो, यहाँ पर दोनों की बाउंडिंग खास तौर पर देखने को मिली, दोनों की दोस्ती साफ साफ नजर आई, दोनों ने एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार दिखाया इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो बेहद कमाल था। तो आपका पूरे वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।